नमस्कार, मैं हूं संजय सर्वरेर। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रिश्वत मामले में पटवारी को सजा। जंगल में लगी आग, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने की अचानक से हड़ताल, चारों ओर गंदगी का आलम। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विशेष सहयोग के लिए डीसीएन का किया गया विशेष सम्मान। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे रिश्वत मामले की। दमोह जिले के बटियागढ़ से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक पटवारी के द्वारा रिश्वत ली गई थी। 2016 का मामला है। 21 अक्टूबर को यह रिश्वत दी गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय का अहम फैसला सामने आया, जहां पर मनोज राय नाम के पटवारी को सजा सुनाई गई है। 4-4 साल की सजा, 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दमोह में न्यायालय के द्वारा यह सजा सुनाई गई है। निर्बल कुमार असाटी किसान से उनके द्वारा रिश्वत ली गई थी। 1,000 रुपए पूर्व में लिए गए थे, 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अनंत कुमार सिंह के द्वारा बताया गया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डॉक्टर आर के शुक्ला पांडे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायालय के द्वारा आरोपी मनोज राय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7 एवं धारा 13 के तहत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला ये था कि 21-10-16 को विकुस्था सागर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये तहसील कार्यालय बटियागढ़ जिला दमोह पटवारी हल्का नंबर 44 के अंतर्गत मनोज राय पटवारी के रूप में पदस्थ थे, और 21-10-16 को आवेदक निर्मल कुमार असाटी के द्वारा उसकी जमीन के बंटवारे एवं उसकी जमीन का बंटवारे एवं उसके भाइयों के मध्य बंटवारा होने एवं भू अधिकार पुस्तिका की बनवानी थी, जो उसकी एवज में उसके द्वारा आरोपी के द्वारा 3,000 रुपये की मांग की गई थी, और 1,000 रुपये उसने प्राप्त किए थे, जिसकी शिकायत उसने विपुस्था सागर लोकायुक्त में की थी। और उसकी शिकायत पर ट्रैक दल का गठन किया गया था, और ट्रैक दल के द्वारा दिनांक 2/11/16 को तहसील कार्यालय बटियागढ़ में अपनी कार्यवाही करते हुए 2,000 रुपये निर्मल कुमार असाटी के द्वारा उसको अपना रिश्वत दी गई थी, जो ट्रैक दल के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसका मामला विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत मामले में अभियोजन के द्वारा जो भौतिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने सहमत होकर उसको आरोपी को धारा 7 एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में भार साधक अभियोजन अधिकारी अनंत सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई थी। मामले में माननीय DPO साहब चतुर्वेदी जी एवं अतिरिक्त एडिशनल DPO साहब पटेल जी के द्वारा मार्गदर्शन में ये मामला प्रस्तुत किया गया था, और उनकी मॉनिटरिंग में ये पूरा मामला पैरवी की गई थी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। गौवंश का अवैध परिवहन किया जा रहा था, इसी बीच नोएडा पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपियों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। नोएडा थाना अंतर्गत बताया जाता है दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक ढाबा के समीप एक ट्रक को पकड़ा गया था। इसमें काफी गौवंश भरा हुआ था, 3 गौवंश की मौत हो गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह से? जी, आज माननीय न्यायालय सुशील कुमार अग्रवाल जी के द्वारा एक मध्य प्रदेश गौवंश और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 37 जो है जानवर जो है पशु गाय और बछड़े जो है काटने के लिए ले जाए जा रहे थे। नोएडा थाना का मामला था, और अपना यह सुमेर ढाबा जो जौलपुर रोड है वहाँ की घटना है। तो उसमें 2 पार्टीशन ये लोग बनाए हुए थे,
उसमें जानवरों को ठूस ठूस के लोग आए हुए थे। जब मुखबिर की सूचना मिली नोएडा थाने को, तो इनको रोका गया ट्रक को और दो पार्टी से में से जानवरों को निकाला गया, जिसमें से तीन जो है जानवर बछड़े और गाय मृत पाई गई थी। और माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन उपरांत और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहम्मद रशीद खान, अबरार खान, हफीज खान और शाहरुख खान, ये चारों निवासी सहारनपुर जिला राजगढ़, और एक और आरोपी सुल्तान खान जो शाजापुर का निवासी था, इसको 3-3 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया। किस किस का सहयोग रहा सर इसमें? हमारे माननीय डीपी महोदय चतुर्वेदी सर का और हमारी टीम अभियोजन जो टीम है उनका सहयोग रहा। संजय सरवरी, लखी डीसी न्यूज़, दबाव। दमोह जिला अस्पताल के सफाई कामगारों के द्वारा अचानक से काम बंद कर दिया गया, जिसके चलते अस्पताल में चार ओर गंदगी ही गंदगी नजर आई, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों को, डॉक्टरों को, स्टाफ को काफी परेशानी हुई। जिला अस्पताल के आरएमओ विशाल शुक्ला के द्वारा बताया गया कि यहां पर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, अचानक से यह हड़ताल हुई। हालांकि उनका यह भी कहना कि अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी हड़ताल का कोई भी प्रभाव सफाई पर न पड़े। काफी बड़ी बात है, काफी बड़ा मामला है, जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं लेकिन गंदगी से परेशान नजर आए, चारों ओर गंदगी ही गंदगी देखी गई। इस मामले में हमने आरएमओ विशाल शुक्ला से चर्चा की। बंद कर दिया गया था, काफी परेशानियां हुई, क्या है? सफाई कर्मियों का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है टेंडर के जरिए होता है, और उसके एम्प्लॉयज यदि किसी तरह से काम बंद करते हैं तो ये टेंडर की जो ऑनर हैं हम उनसे बात करते हैं, और उनके बताए अनुसार और सफाई कर्मियों के बताए अनुसार जो हमें पता लगा है कि ईपीएफ से रिलेटेड कुछ मसला है, और इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि टेंडर से जो उनको पैसा मिल रहा है वो उनकी सैलरी भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बढ़ पाएगी, क्योंकि नया टेंडर होगा तभी सैलरी बढ़ पाएगी। नहीं, जिस तरह से बिना कोई नोटिस के इस तरह से हड़ताल होती है, आपको भी परेशानी होती है, स्टाफ को भी होती है, मरीज को भी होती है, तो जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर इसकी जवाबदारी तय की गई है? देखिए, हुआ क्या है, मेरे ख्याल से हम लोग वो लेटर ढूंढवा रहे हैं, कोशिश जारी है। उनका कहना है कि हमने वो आवेदन दिया था, सूचित किया था, जबकि ऐसा कोई पत्र फिलहाल हमारे संज्ञान में नहीं आया, सीएसआर के संज्ञान में भी नहीं आया है। तो अनुशासनहीनता बनती है, और इस संदर्भ में ये पहले भी इस तरह की, क्योंकि जो हैंडलर हैं अशिक्षित सफाईकर्मी रहते हैं, तो इनके द्वारा जो गड़बड़ियां की गई, कई बार बायोमेडिकल वेस्ट को यहाँ वहाँ बिखराने ऐसा काम, तो हमने पेनल्टी भी काटी है। तो कुल मिला के एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि सफाईकर्मी के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, उनका वेतन का कैसे भुगतान होना है, और यदि उसमें कहीं कोई कमी है तो उनको ही सुलझाना भी है। और यदि कोई अनुशासनहीन या इस तरह से किसी को उकसा के कोई स्ट्राइक करवा रहा है, काम रुकवा रहा है, अस्पताल में गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, तो अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही उस कर्मचारी के खिलाफ होती है वो भी अच्छी बात है, एजेंसी को करना भी चाहिए अगर उसको अपना टेंडर आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि साफ सफाई जो है अस्पताल का एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इन्फेक्शन उससे कंट्रोल होता है, और अगर इन्फेक्शन ही फैलता रहेगा, गंदगी फैलती रहेगी, तो निश्चित तौर पर बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो जिस तरह से हम अगर किसी तरह की स्ट्राइक करते हैं डॉक्टर्स, तो लेकिन गंभीर मरीज पहुंचता है तो हमें तुरंत ही उसे अटेंड करना होता है। इसी तरह इनको भी हमने समझाने का प्रयास किया सभी लोगों को कि इनका जो एजेंसी का ऑनर है ये आएगा शनिवार को, उनसे बात करेगा, लेकिन ये तैयार नहीं थे, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली है, 10 लोगों को हायर भी किया है, हमारे जो आउटसोर्स के स्टाफ हैं 10 लोग स्वीपर कैटेगरी के हैं, उनको भी हमने इस काम में आज शाम से लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो काम रुक जाएगा, अस्पताल की सफाई की व्यवस्था हम वैकल्पिक तौर पर करके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलत है, जो लोग यहाँ भर्ती थे उनको भी दिक्कत हुई, आपको भी दिक्कत हुई होगी सुबह काम करने में, कि अचानक से यहाँ कोई काम बंद हो जाता है जी। ओपीडी में भी काफ़ी परेशानी, बच्चा वार्ड में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई है। देखिए, अस्पताल में हर एक व्यक्ति जो यहाँ का एम्प्लॉय है उसके अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर एक भी व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटता है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था बिगड़ती है, और सफाई कर्मी भी एक उसी सिस्टम का अभिन्न अंग है, अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो गंदे स्थान पर बैठ के हम मरीज़ नहीं देख सकते, गंदे बिस्तरों पर मरीज़ को लिटा नहीं सकते,
ड्रेसिंग टेबल अगर साफ नहीं होगी तो उस पर ड्रेसिंग में दिक्कत आएगी, तमाम दिक्कतें हैं। सफाई कर्मियों का बड़ा रोल है, अहम रोल है, और जैसा आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर बिगड़ती है, जवाबदारी तय होगी जिसने भी ये किया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए और एजेंसी को थोड़ा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करना चाहिए। और बाकी ज़्यादातर लोग उनमें से काम करने की इच्छा रखते भी हैं, कुछ लोग जो रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आप क्या एजेंसी के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? देखिए, एजेंसी के खिलाफ हम लोग बहुत जल्दी, हमारा फिलहाल का जो प्लान है कि उनका टेंडर भी हो चुका है, एक बार हमने बीच में टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी तो उस टेंडर प्रक्रिया में लगभग सभी लोग फेल हो गए थे, इसलिए जो वर्तमान एजेंसी है उसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब फिर से हम टेंडर प्रक्रिया जल्दी करने के विचार में। जिस एजेंसी के पास ये काम है उस पर कार्यवाही तय करने की बात कही गई है, देखने लायक होगा कब तक कार्यवाही तय होती है। संजय सरवरिया, LDCA न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा दमोह के शोभा नगर में नई लाइन डाली जा रही है जिस पर बाढ़ वासियों को आपत्ति है। बाढ़ वासियों का कहना है कि लाइन काफी घटिया है, साथ ही काफी नीचे डाले जा रहे लोगों के छतों पर ये लाइन है, जिसके चलते कभी भी उनके बच्चे या परिजन इसकी चपेट में आ जाएंगे। आज एक युवक खंभे पर चढ़ गया, जिसके द्वारा खंभे पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। बाढ़ वासियों के द्वारा इस संबंध में CM हेल्पलाइन पर कई शिकायतें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। क्या कहना है बाढ़ वासियों का, आइए सुनते हैं। भैया, तीन बार तार टूट चुका है और तीन ही बार हमारे घर का नुकसान हुआ है। मजदूरी करते हैं, बेलदारी करके पैसे कमाते हैं और हम भाई मजदूरी करके अपने सामान नहीं, उपकरण नहीं सुधरवा पा, और ये मतलब पतला तार डाल रहे हैं। पापा ठेला चला, हाथ ठेला चलाते हैं हमारी, और ये फिर गिरेगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? और इनसे कह रहे हैं कि थोड़ा ऊंचा खींचे तो भी नहीं खींच रहे। ये लाइन कोई मतलब की नहीं डली है, इसकी जरूरत ही नहीं है MPP को, फिर भी ये खींच रहे हैं। किस चीज से नुकसान है आपको? ये तार गिरता है, बार बार गिरता है। कितने बार गिरा है? तीन बार गिर चुका है, ये चौथी बार फिर गिरा। क्या नुकसान हुआ है इससे आपको? करंट, दादा को करंट, हमारे पिताजी को करंट लग चुका है, दादी बैठी है बाजू वाली उनको करंट लग चुका है तार गिरने के बाद, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर तार खींच रहे हैं और बहुत पतला खींच रहे हैं। इस संबंध में शिकायत की है किसी से? CM हेल्पलाइन में शिकायत की है और इनके अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं और सभी तार खींच रहे हैं। अधिकारियों को बोला जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा टाइट खींचा, कुछ कोई एक्शन नहीं लिया ना। अधिकारी अभी तक मौजूद है यहाँ पर, कोई है नहीं यहाँ पे। अधिकारियों को किस चीज से अवगत कराया गया है? ऐसी लाइन है छतों के ऊपर से गई हुई है, पुरानी लाइन है लेकिन अब छत खींच गए, इसके आपके लिए जरूरत नहीं है तो इसको हटाएं या फिर इसमें पाइप डलवाने की सुविधा करें। इसके लिए हटाने के लिए आपने आवेदन वगैरह दिया है? हमने आवेदन भी दिया है लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया आवेदन पे, किसी प्रकार की कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? हम आत्मदाह करना चाहते इसी लाइन पे, मरना चाहते हैं। आज ये लाइन चालू कर दें, यहीं मरेंगे हम, क्योंकि हम अपना टीवी पंखा बार बार सुधरवा नहीं सकते हैं। भैया, जब लाइन निकली है हाई टेंशन लाइन है, हमारे छत पे नहीं आ सका, बाल बच्चे भी नहीं आ सके थे, तीन बार तो टूट चुकी है। हमारे के तो गिरा था तो लकड़ियाँ करें धरे मलगे धरे उनमें आग ही लग जात, और दो बार तो करंट लग चुके हैं। माता राम हो जी, खड़े हैं प्रकाश के पास, इन्हें भी लग चुको है, हमें खुद लगो, हमको इतने परेशान है, कपड़ा डाल बैठा दिया, कोई मतलब की लान है नहीं है। किस जगह की घटना है ये? शोभा नगर सिविल वार्ड नंबर 1, 9 दुकानों के पीछे। किस तरीके का आपका नुकसान हुआ है अभी तक? TV पंखा कूलर सब जल गए, और अब हमने नई लाइन फिटिंग कराई है, लाइट की पूरी जल गई। आप घर में जाकर और आप वीडियो बना सकते, देख सकते हो आप लोग। इस संबंध में किसी से शिकायत की है आपने? एक दो बार की है, आवेदन भी दिया था, 181 भी लगाया था, फिर कहते हैं कि काका लाइन निकली है पहले, अब बता पूरे छतों पे है, हमारे का करें, सबके बच्चा खेलते हैं छोटे छोटे, हमारे बच्चे जी। हमारा राजीव हरवाल नाम है, हमारे छत पे दो बार तार गिर चुका है जिससे हमारी लाइट जल चुकी है, हमें दो बार करंट लग चुका है, पूरी लाइट जल चुकी है, घर की और पंखा कूलर सब जल चुके हैं। ये देखिए हमारी छत पर, बिल्कुल छत पे ऐसा लटका हुआ है तार। किस जगह की घटना है ये? सिविल वार्ड नंबर 1, शोभा नगर, 9 क्वार्टर के पीछे। इस संबंध में शिकायत की है आपने? जी शिकायत की, 181 पे भी की, बिजली ऑफिस में भी की है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। किस तरीके का नुकसान हुआ है आपका? हमारा पंखा जल गया, कूलर जल गया, पूरी फिटिंग कराई थी जो लाइट नहीं, पूरी जल गई, पूरी लाइट देख रहे हैं, बोर्ड वोर्ड जल गए हैं पूरे, और कूलर जल गए, पंखा जल गए।
हम लोग छत पर नहीं आ सकते हैं। ये देखो छत पर बिल्कुल छत पर तार रखा हुआ है, छत पर ना हम लोग आ सकते हैं, तो छत पर कोई आ नहीं सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं, हम लोग भी नहीं आ सकते छत पर। करंट इसमें बहुत ज्यादा भनभना के आते हैं, आवाज आते इसमें भनभना के। क्या चाहते हैं आप ऐसे में? हम ये चाहते हैं खम्भा निकलवा दिया जाए, तो व्यवस्थित तार लगवा जाए कि भाई ये हमारे छत से थोड़ा ऊंचा रहे, या तो भाई हटा दिया जाए तार को, भाई हम लोगों को कुछ घटना घट जाएगी, हम लोगों को क्या करेंगे। देखने लायक होगा इस संबंध में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी कब तक कोई कदम उठाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। रोजगार सहायक संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। जनपद पंचायत दव में ज्ञापन सौंपा गया और जानकारी दी गई कि वह सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, जिसके चलते वह खासे नाराज है और अपनी मांगों के संबंध में सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। से हम लोग विगत 2017 से लगातार मांगे मेहनत करते रहे, लेकिन आज दिनांक तक हम लोग कोई मांग पूरी नहीं की गई है। इसके संबंध में आज से हम लोगों ने 16 से 20 तारीख तक का अवकाश लिया है। इसके बाद ही कुछ नहीं होता तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार की मांगे हैं आप लोगों की? एक तो पेमेंट नहीं बढ़ाई गई, नियमितीकरण कुछ नहीं हुआ, ना ट्रांसफर की नीति कुछ कर ही नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप इनसे? जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाएं। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह वनमंडल हमेशा ही अपनी कारगुजारियों के चलते मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक बार पुनः काफी बड़ी लापरवाही सामने आई है। दमोह वनमंडल के अंतर्गत ये लापरवाही सामने आई है, जहां जंगल में आग और कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं है। बताया जाता है मलिया चौकी अंतर्गत सुहेला के समीप ये आग लगी है, जंगल में आग लगी है। 1 किलोमीटर लंबे जंगल में आग देखी गई। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो चौकी प्रभारी SI आनंद अहरवाल मौके पर पहुंच गए, जबकि वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागे। घंटों के बाद एक वन रक्षक मौके पर पहुंचा। एक वन रक्षक 1 किलोमीटर की आग को भला कैसे बुझा सकता है। पुलिस मेहनत करती रही, अब वन विभाग के अधिकारी आराम फरमाते रहे। सूत्र बताते हैं कि यहां पर वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, ऐसे में इस कटाई को छुपाने के लिए इस तरह का कार्य किया गया। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि अधिकारी कर्मचारी बिल बाउचर बनाने में लगे हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष अंतिम चरण में है, ऐसे में कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव दमोह में धूमधाम से मनाया गया। दमोह के कांश मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। सुबह से ही धार्मिक आयोजन किए गए, वहीं दोपहर के समय प्रवचन की श्रृंखला भी चली। शाम के समय सभी को मिष्ठान वितरित किए गए। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इसमें शामिल हुए। स्वयं लगा लो ना तो 2 हो जाएंगे। नवीन जी, बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहते हैं अरे वो महाराज मतलब दुकान पे बैठे जनता जिस भाई, वो महाराज के साथ तो 2 लोग थे भाई, तू भी दुकान से निकल तो 3 हो जाएंगे। हम मात्र कहना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज देखे दिगंबर मुनिराज कितना परिश्रम कर रहे हैं, सोचो जरा। आज कक्षाएं ले रहे हैं,
कैप्चर किया जा सके। आज आदिनाथ जयंती जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म उत्सव है, जिसे हम संपूर्ण दमोह सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। कांच मंदिर में जो मूल नायक है वह आदिनाथ भगवान है, इसलिए संपूर्ण कार्यक्रम मुनि संघ के आदेश पर और संघ के सानिध्य में हमारे बीच हो रहे हैं। सुबह महामस्ताभिषेक की प्रक्रिया हुई, उसके बाद विधान दोपहर में समस्त जिले में विराजमान समस्त मुनिराजों का एक समागम और प्रवचन कांच मंदिर के इस प्रांगण में हो रहे हैं, और शाम को भक्तांबर के काव्य पाठों के साथ 48 दीपों का प्रज्वलन होना और महाआरती श्री जी के बीच होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम कांच मंदिर कमेटी की ओर से किए जा रहे हैं। इसमें सकल जैन समाज, जैन पंचायत, दमोह हमारे साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा रही है। तीन परमेष्ठी जो इस पंचम काल में हैं, वो तुम्हारे मंच के सामने बैठे हैं। आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधुगण भी हैं। तीन परमेष्ठी जहां भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों से कहा है कि चिंता मत करना, भले ही तुम्हारा जन्म इस पंचम युग में हुआ हो, पर तीन परमेष्ठी तुमको संभालते रहेंगे। ये तीन परमेष्ठी क्या करते रहेंगे? समय समय पर तुम्हें उपदेश देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, तुम्हें एकत्रित करते रहेंगे, तुम्हें एक सूत्र में बांधते रहेंगे, और तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग तुम्हारा है उसे क्या करेंगे, प्रशस्त करेंगे। तीन परमेष्ठी बाबा, और आज वो तीन परमेष्ठी एक साथ यहां बैठ करके आज तुम्हें ऋषभ देव भगवान का, ऋषभ देव भगवान से तुम्हारा साक्षात्कार करा रहे हैं। महानुभाव अपन देखेंगे कि आदिनाथ भगवान कहते हैं कि होशियार, एक तो होशियारी होती है, हाँ जोड़ो सब लोग बोलो होशियारी, एक समझदारी, एक होशियारी एक समझदारी। पिताजी ने कहा बच्चे से होशियार बनो, पवन जी क्या कहा, होशियार बनो, गुरु ने कहा नहीं बेटा समझदार बनो। पिता ने कहा होशियार बनो और गुरु ने कहा समझदार बनो। बोले भाई होशियार तो होना चाहिए, बोले होशियार व्यक्ति दूसरे के यहाँ नौकरी करता है और समझदार व्यक्ति महाजन सेठ बनकर के बैठता है। इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ीसी न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 20वां पुण्य विवाह समारोह संपन्न हुआ था, जहां 2100 से अधिक कन्याओं की शादी हुई थी और 21,000 का ये आंकड़ा भी पूर्ण हो गया था। मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के संकल्प के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस संपूर्ण आयोजन के लिए एक व्रत कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष है मंत्री पुत्र भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव थे, जिनकी अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। लाखों की भीड़ यहां पर थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे में आज एक व्रत कार्यक्रम आयोजित करने के साथ सभी का सम्मान किया गया, चाहे शासकीय अधिकारी हो चाहे स्थानीय कार्यकर्ता, जिनके द्वारा एक सैनिक के रूप में कार्य किया गया, संपूर्ण पुण्य विवाह समारोह को संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग के लिए DCN के संचालक असलम खान का विशेष रूप से सम्मान किया गया, साथ ही प्रदीप पाठक का भी सील देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर SDM गोविंद दुबे, SDOP अशोक चौरसिया, जनपद अध्यक्ष रश्मि सुरेश कपस्या, नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया से अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंच का संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। इस संबंध में हमने भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव से चर्चा की। इन दोनों कार्यक्रमों को निर्विघ्न रूप से
अपनी कृपा और आशीर्वाद से हम सभी को संपन्न करने के लिए जो ताकत दी। हम लोग अभी जब से यह कार्यक्रम हुआ है उसके बाद चर्चा हमेशा इस बात की होती है, बिना भगवान की कृपा के इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित तो किया जा सकता था, आयोजित करने में कुछ नहीं लगता। आयोजन क्या कहेंगे, रहस्य मेला और हमारा 20वां पुण्य विवाह दोनों ही बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, अनूठे कार्यक्रम हुए, और दोनों ही कार्यक्रमों में सम्मान्य हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की, सम्मान्य हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की अपार मेहनत हुई है, तो उसी का एक आभार का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया, जिसमें सभी हमारे जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सम्मान और कार्यकर्ताओं की स्मृति चिन्ह लेकर हमने उनका सम्मान किया है। एक सहभोज का भी यहाँ पर आयोजन था, तो इस प्रकार का यह कार्यक्रम है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जिले के बनवार में पदस्थ वन रक्षक भरत सिंह ने अखिल भारतीय फॉरेस्ट स्पोर्ट खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। हरियाणा के पंचकुला में प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जिले के वन रक्षक ने तीसरा स्थान पाकर जिले का नाम रोशन। दमोह के वन विभाग में पदस्थ वन रक्षक भरत सिंह ठाकुर, जिन्होंने न सिर्फ अपने विभाग का बल्कि अपने शहर और मध्य प्रदेश का नाम सारे देश में रोशन किया है। प्रतिवर्ष होने वाली प्रतियोगिता में भरत सिंह ठाकुर ने दौड़ में हिस्सा लिया और ये ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिता जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, और सिलेक्शन जब हुआ तो पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर नेशनल टीम में इनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नेशनल जब गेम्स हुए तो इनको यहां पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है। आज भरत सिंह ठाकुर की कामयाबी पर इनके विभाग के लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं, और तो और वन विभाग के मुखिया क्या कहते हैं आइए सुनाते हैं आपको। खेलकूद प्रतियोगिता होती है जिसमें हम प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। तो कहाँ पर आयोजित हुई थी? पहले होती वृत्त स्तर पर, तो वो सागर में हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वहां से भोपाल राज्य स्तर हुआ भोपाल में, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद अखिल 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हरियाणा पंचकुला में हुआ है, जिसमें पूरे भारत के फॉरेस्ट गार्ड से लेके पीसीसीएफ तक सभी आते हैं। मेरी टीम का थर्ड पोजीशन रही, और मेरे साथ साथ मेरे विभाग के और श्रीमान वन मंडल अधिकारी की को भी खुशी है, और मेरे साथियों को भी बहुत खुशी है। हरियाणा के पंचकुला में 10 मार्च से 14 मार्च तक ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया था। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल का स्पोर्ट्स था मीट। इसमें हमारे यहाँ से जो है भरत सिंह ठाकुर गए थे, ये वन रक्षक है सगुनी रेंज में। इनके द्वारा जो है 100x4 में रिले रेस में हिस्सा लिया गया था, और जिसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हमारे दमोह और प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और हमारा सभी लोग जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत प्रोत्साहन देते हैं। शायर शाहिद दमोही ने जबलपुर में गजल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शहीद दमोही अव्वल रहे, मुशायरा जबलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 30 शायरों ने हिस्सा लिया था। इस उपलब्धि पर उर्दू साहित्य संस्थाओं के द्वारा उनका सम्मान किया गया। शहर जबलपुर में हुए फिल्मबदी मुशायरे में दमोह से शायर शाहिद दमोही साहब ने शिरकत की, जहाँ पर 30 से 35 शायरों की मौजूदगी में दमोह से शाहिद दमोही साहब ने अव्वल स्थान पाया, और ये गजल प्रतियोगिता थी जो तत्काल एक साथ एक समय की सीमा में रहकर गजल को लिखना पड़ता है, जिसमें कई अशआर होते हैं, कई लाइनें होती हैं, जो एक समय सीमा के अंदर
पूरी करनी होती हैं। इसमें हमारे दमोह शहर के जनाब शायर शाहिद दमोही साहब ने पूरा कलाम समय सीमा में रहकर कह दिया और जब रिजल्ट सामने आया तो शहर दमोह का नाम सबसे पहले था। पहले नंबर पर दमोह जिले को ये स्थान हासिल हुआ है, ये बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी की खबर जैसे ही दमोह शहर की अदबी संस्थाओं को लगी तो तमाम इदारे के लोग शाहिद दमोही के निवास पर पहुंचे और उनको दिली मुबारकबाद पेश की। आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ कहा है उनके चहेते शायरों ने। कम लफ्जों में गहरी बातें करता है शायर ही, गागर में सागर भरता है। शायर ही गागर में सागर भरता है। इस मौके पर हमारे शहर दमोह की तमाम अदबी साहित्यिक संस्थाओं ने मुबारकबाद पेश की है और मैं अदीब दमोही उर्दू मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी जी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जिला कोऑर्डिनेटर अपने जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशी की बात है तमाम इदारों ने अलग अलग उनको मुबारकबाद दी। हम लोगों के साथ रहते हम लोगों का फर्ज था इसलिए उनके घर तक आकर हम लोगों ने मुबारकबाद दी। लायक सद मुबारकबाद अमजदुल उलमा मोहतरम आली मकाम मुफ्ती अमजद रब्बानी साहब जिन्होंने एक तारीखी नशस्त का अहतमाम किया, तारीखी प्रोग्राम का फिलबदी जिसमें हमारे दमोह शहर से जनाब बरादर अजीज शाहिद साहब का अव्वल मकाम आया और जनाब साहिल साहब ने भी दोयम दर्जे में अपनी जगह बनाई। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। तमाम अहले अदब दमोह की जानिब से सबसे पहले खानकाह रब्बानिया को मुफ्ती अमजद साहब को और तमाम मुफ्तियान को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद और हमारे शाहिद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक। मैं हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से शायर आते हैं और मिसरे दिए जाते हैं जिस पर तरही कलाम पेश किए जाते हैं, मगर इस साल इस महीने में उन्होंने एक अलग तरह का प्रोग्राम रखा जिसको फिलबदी कहते हैं। और फिलबदी प्रोग्राम का मतलब होता है कि शायरों को फौरन मिसरा दिया जाता है, दही कलाम कहता है शायर, फिर उसके बाद उसको पेश करता है। तो खानकाह रब्बानिया जबलपुर में 9 बजे मिसरा दिया गया था जिसमें तकरीबन 30 शायर मौजूद थे फिलबदी कलाम कहने के लिए और 10 बजे तक का वक्त था, 15 मिनट फेयर करने के लिए था। 10:15 बजे वो पर्चा वापस हुआ और कमेटी के पास वो जमा हो गया। और मतलब एक टाइम लिमिट में आप लोगों को अपने जी बिल्कुल कम वक्त था और उस पर नजरसानी भी नहीं की जा सकती थी। कितने अशार उनको देना? 7 या 9 अशार थे और ग्रह की कोई पाबंदी नहीं थी। जो उन्होंने मिसरा दिया था उस पर आप अपना मिसरा लगाएं या ना लगाएं, कई शोरा ने मतलब भी नहीं कहा, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 9 शेर कहे और वक्त मुकर्रर के पहले कलाम कह के जमा कर दिया। और जब वो मुशारा उस पर शुरू हुआ तो वो लिफाफा खुले गए और वही पढ़ना था जो वहां जमा था। और जब वो कलाम पढ़ा तो काफी लोगों ने पसंद किया जिससे एक उम्मीद तो जगी, मगर प्रोग्राम के अपने उसूल होते हैं, पूरा प्रोग्राम होने के बाद रिजल्ट जो है ओपन किया जाता है। तो जब रिजल्ट ओपन किया गया तो मेरिट लिस्ट में मुझे नंबर 1 हासिल हुआ और जिसके लिए मैं खानकाह रब्बानी और मुफ्ती अमजद साहब और वहाँ के तमाम लोग और जबलपुर के जो अहले अदब लोग हैं तमाम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस इम्तिहान से बआसानी उसने गुजारा और दमों के लिए काबिल फख्र है कि दमों की नुमाइंदगी में उस प्रोग्राम में कर पाया। जो हमारे यहाँ के नए शोरा हजरात हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं, अब इनके लिए जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, इनके लिए क्या कुछ आगे प्लानिंग है? इनको मश्क कराना है शायरी की, उस तरफ ध्यान दिलवाना है ताकि जिस इम्तिहान से हम गुजरे हैं कल, अगर इनकी ज़िंदगी में वो मौका आए तो उस इम्तिहान में बैठ सकें और कामयाब हो सकें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दमों असातिज़ा की ज़मीन रही है। मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम मकफूर निश्तर दमोही साहब, मोहसिन साहब, अलहाज नैयर दमोही साहब, इन लोगों ने हमेशा ये सिखाया है हम लोगों को कि शायरी अगर करो तो शायरी के अंदर डूब के शायरी करो। और उस वक्त भी ये सिखा देते कि अगर कोई इम्तिहान की घड़ी आ जाए तो पीछे नहीं हटना है। फिलबदी का तारुफ भी उन लोगों ने कराया था कि फिलबदी क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे उस्ताद हम तमाम लोगों के उस्ताद हक सदर पूरी हयात हैं और जब मैं जबलपुर जा रहा था तो उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और कहा कि नहीं ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए और ख़ुद को साबित करने का एक मौका होता है।
सागर जिले के गड़ाकोटा में अखिल भारतीय सामाजिक संस्था राष्ट्रीय जन परिषद के तत्वाधान में नटराज ऑडिटोरियम में 18 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नागरिक अभिनंदन ये कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के कद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी शामिल होंगे। मंत्री श्री भार्गव को यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन मिस अमृत कौर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। जन परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रामजी श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, प्रांतीय सचिव एवं संभागीय सागर के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस संबंध में तहसील गड़ाकोटा चैप्टर के अध्यक्ष जमील कुरैशी एवं महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्ण कुमारी बुंदेला के द्वारा जानकारी दी। 18 मार्च दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे नटराज ऑडिटोरियम में जन परिषद जो सामाजिक संस्था है उसके द्वारा गढ़ाकोटा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें नगर के प्रतिभावान सम्मानीय नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी जो अभी हाल में 21,000 कन्याओं का महासंकल्प कार्य विवाह कराकर पूर्ण किया है उनका नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा और उन्हें संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन मिस अमृत कौर उपस्थित रहेंगी। साथ ही संस्था के संयोजक रामजी श्रीवास्तव, सचिव नितिन श्रीवास्तव एवं संभागीय अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे उपस्थित रहेंगे। आगामी 18 तारीख को आप लोगों के द्वारा नटराज ऑडिटोरियम में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? जी, हमारी ये जो सामाजिक संस्था है जन परिषद, इसके तत्वाधान में एक बृहद कार्यक्रम सम्मान समारोह का रखा गया है। ये जो हमारी संस्था है जन परिषद, ये हमेशा ही उच्च स्तर के समाज सेवियों का सम्मान करती है। तो हमारे माननीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने 21,000 कन्याओं का जो कन्यादान किया है, इसके उपलक्ष्य में हम सब समाज सेवियों ने यह एक कार्यक्रम रखा है। इस जन परिषद में मुझे भी महिला विंग से माननीय हमारे अध्यक्ष श्री जमील कुरैशी जी की अनुशंसा पर अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम सभी लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा है और इसमें माननीय मंत्री जी का हम सभी नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं और इसमें हमारी महिला शक्ति भी जोरों शोरों से हिस्सा लेगी। और हम अभी आप सभी से भी ब्रह्म अनुरोध करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो सही बोले। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रिश्वत मामले में पटवारी को सजा। जंगल में लगी आग, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने की अचानक से हड़ताल, चार ओर गंदगी का आलम। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विशेष सहयोग के लिए डीसीएन का किया गया विशेष सम्मान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। आपके राशिफल की चर्चा करें उसके पहले, अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मूंगा है, पुखराज इत्यादि जो भी नवग्रह रत्न है, राशि से संबंधित रत्न है, तो आप मुझसे बूंदा बहु मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर भी मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, उसके साथ साथ बूंदा बहु मंदिर में अगर मैं नहीं मिलता हूं तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
अब जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन पुनः बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए मंगल की स्थिति आपके अनुकूल है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका चंद्रमा भी आज आपके साथ में है, आज आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद धन से संबंधित जो आपके अटके हुए कार्य हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं या सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको आज अच्छी खासी व्यापार में धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन आज हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आज पुनः आपके अनुकूल हैं। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए उस कार्य में आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होकर के रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आप आज सफल होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन संतान से संबंधित सुख प्रदान करने वाला होगा। आज बहुत दिनों के बाद किसी अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, जिससे आपका दिन भर आपका जो दिमाग है, मन है, चित्त है, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आपके घर में आज धर्म के कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, ऐसा योग है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आज का जो आपका सूर्य है, आपका जो राशि स्वामी है, वह आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हुआ दिख रहा है, आपके सपोर्ट में, आपके अनुकूल है। तो आप आज जो भी नए कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं उसको आप शुरू करें। आप निश्चित मानिए आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। विशेषकर आज आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मैहर कुल देवता को प्रणाम करके ही बाहर निकलना चाहिए। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि के जातकों को आज फिर कर्ज से छुटकारे के संकेत स्पष्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आज अगर आपका किसी प्रकार का कर्ज है तो वह कर्ज आज आपसे उतर जाएगा और आपको अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ भी आज आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आज फिर आपको दिन बहुत अच्छा है, निश्चित मानिए आप जो भी कार्य मन में विचार कर रहे हैं उसमें आप सफलता को प्राप्त होंगे। आप शिव आराधना प्रतिदिन करें तो और भी आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, ऐसे योग हैं। वृश्चिक राशि। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देखो आज आपकी जो राशि स्वामी मंगल है, भौम है, वह आपके जो भाई हैं उनमें प्रेम को बढ़ाएगा, शारीरिक कष्ट आपका आज दूर होगा, ऐसे स्पष्ट योग हैं। धनु राशि। आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। मकर। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपका जो मानसिक तनाव जो कई दिनों से चला आ रहा है वो दूर होगा, आपको आपके भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।